So class today we're going to study about surface area and volume, उनके formulas. And आज हम पढ़ेंगे cuboid का, cube का, cone का, cylinder का, sphere का और hemisphere का. So सबसे पहले मैं पूछती हूँ कि surface area and volume. तो surface area होता क्या है basically? तो surface area is basically जैसे कि ये glass है, ठीक है? ये glass है. इस glass का externally इसने कितना area cover कर रखा है, वो उसका area होता है. ठीक है, बट जब मैं वॉल्यूम की बात करती हूँ तो जैसे इस ग्लास में जो पानी है तो इस ग्लास की जो कैपेसिटी है वो इसकी वॉल्यूम कंसिडर की जाती है. ठीक है, कोई डाउट अभी तक? ओके, तो आज हम फर्स्ट जो चीज स्टार्ट करेंगे वो है हमारा क्यूबॉइड. क्यूबॉइड बेसिकली होता क्या है? क्यूबॉइड इज बेसिकली अ फिगर जो कि बहुत सारे रेक्टेंगल्स को मिला के बनती है. ठीक है, तो बहुत सारे रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन हैं जिनको अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्यूबॉइड मिलता है. ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बताइए? इट्स बेसिकली एल इंटू बी, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड है. ए बी सी डी ई एफ जी एच. ये क्यूबॉइड की जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो कौन सी होती है? लेंथ. ठीक है, ये होती है ब्रेथ एंड दिस इज हाइट. ओके, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ए बी सी डी की, ए बी सी डी ये जो नीचे वाला रेक्टेंगल है उसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. राइट, तो हमने यहां लिख दिया एल बी. अब इसी रेक्टेंगल के पैरेलल कौन सा है? ये ऊपर वाला रेक्टेंगल भी जो कि है ई एफ जी एच. ठीक है, तो अगर इसका एरिया एल बी है तो इसका एरिया भी सेम ही होगा, एल बी होगा. ठीक है, तो मैंने ऐड कर दिया, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? टू एल बी, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे. अब हम बात करते हैं आगे वाले रेक्टेंगल की. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा वाला? ए बी एफ ई. ए बी एफ ई एंड कौन सा रेक्टेंगल? इसी के जो एकदम सामने पैरेलल रेक्टेंगल है वो है बी सी जी एच. अभी जो आगे वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या होगा? ये इसकी लेंथ है, पर अब मैं सिर्फ इस रेक्टेंगल की बात कर रही हूं ना, सिर्फ इस. तो ये जो एच है ये इसकी ब्रेथ कंसिडर की जाएगी इस वक्त. तो फॉर्मूले के लिए क्या होगा? एल इंटू एच. ठीक है, ये एल एच हो गया, प्लस इसी के पैरेलल ये वाला रेक्टेंगल है. ठीक है, जो कि है डी सी जी एच, तो उसकी भी सेम ही एरिया होगा. तो लिख दिया एल एच और दोनों को सम करेंगे तो क्या बनेगा? टू एल एच. ठीक है, अब कौन सा छूट गया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी ए ई एच D A E H and इसी के सामने पैरेलल वाला कौन सा रेक्टेंगल है? B C F G. B C G F. अब इस वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? हाइट इनटू ब्रेथ, क्योंकि अब ये इसकी ब्रेथ है, पर अभी के लिए जो लेंथ है वो एच है. डायमेंशन हमें ये वाला है तो हम ये यूज करेंगे, कुछ और तो यूज करेंगे. तो ये बी एच हो गया. इसी के पैरेलल कौन सा है? ये भी, इसका भी एरिया सेम ही होगा. तो ये बी एच हो गया. ऐड करके क्या हो जाएगा? टू बी एच. इतना सब क्लियर है? ओके, अब आगे करते हैं. अब जब मैं बात करती हूँ टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया होता क्या है? जब मैं पूछती हूँ क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या है, मेरा मतलब ये है कि जो क्यूबॉइड है इसका एक्सटर्नली ये कितना एरिया कवर कर रहा है. ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया. अब जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करती हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब अगर मुझे इस पूरे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया बताना है तो मैं ये वाला और ये वाला इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा. तो इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं एच प्लस टू बी एच, इसमें से मैं टू कॉमन ले सकती हूँ, है ना? मैंने सब में से टू कॉमन ले लिया, तो एल बी प्लस
LH plus BH, ठीक है। ये हमारा क्या आया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हम बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया उसकी। अब लेटरल सरफेस एरिया बेसिकली होता क्या है, लेटरल सरफेस एरिया को दूसरा नाम भी है उसका है एरिया ऑफ ऑफ फोर वॉल्स। जब मैं बात कर रही हूँ एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स का मतलब है कि जैसे कि ये रूम है, ठीक है, ये फोर वॉल्स है, इसमें से मैं टॉप और बेस हटा देती हूँ तो क्या बच जाता है, सिर्फ ये फोर वॉल्स। तो इस फॉर्मूले में अगर हम आए तो टॉप और बॉटम को हम हटा देंगे, तो मतलब ए बी सी डी वाला रेक्टेंगल जो ये वाला है और जो इसके ऊपर वाला है इसका एरिया हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब हम कौन से फॉर्मूले को कंसिडर करेंगे, ये वाले को और ये वाले को, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम सिर्फ क्या लिखेंगे, टू एल एच प्लस टू बी एच। अब इसमें क्या क्या चीज कॉमन है, इसमें टू कॉमन है और इसमें एच कॉमन है, तो मैं बाहर ले लू टू एच और अंदर, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया, टू एच एल प्लस बी। ये हमारा क्या हो गया अभी तक का लेटरल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम काफी इजी है, वॉल्यूम में कुछ है ही नहीं ले देखे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बहुत सिंपल है, एंड दैट इज सिंपली एल इंटू बी इंटू एच, दैट्स इट। और एक चीज हमेशा याद रखनी है, बात यह है कि जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, जो एरिया होता है, whereas जो वॉल्यूम होता है वो क्यूबिक यूनिट्स में होता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में आपको कुछ गिवन है और स्पेसिफिक नहीं कर रखा कि क्या गिवन है, एरिया या वॉल्यूम, और आपको गिवन है और उसके पीछे भी सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ, ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अभी तक के लिए कोई डाउट नहीं। Visit ATEC Academy on www.atecedu.com or contact on 904-11-5277.